अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो में आप ये लुक देख रहे हो, कैसा लग रहा है? मेरा ये लुक बहुत अमेजिंग है ना। अगर यही लुक आपको अचीव करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकअप। तो यहाँ मैं लेने जा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर, जो बहुत जबरदस्त है। अगर आप सोचो ये बहुत महंगा है, तो बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा प्राइमर और ब्यूटी ब्लेंडर, थ्री ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर वन मिनी प्राइमर ओनली 1500 में विद डिलीवरी, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, एक वीडियो पे मौजूद है, आप उस पर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ ताकि मेरे जितने भी पोर्ट्स में से छोटे छोटे पोर्ट्स हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाए और क्लोज हो जाए, ऑयल ना है, और 5 मिनट के लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, आज इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये मेरा मिस रोज का मैट फाउंडेशन है जो लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट देगा, यानी कि 4 से 5 घंटे आपके मेकअप के निकाल देगा। ये कैजुअल मेकअप में करती हूँ विद इन 5 मिनट में कहीं पर भी जाने के लिए, और टैपिंग आपने ऐसे करनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया रिवर्स करके वीडियो को। और मेरा हाथ बहुत फास्ट चलने लग जाता है जब मैं काम करती हूँ, तो डेली क्योंकि मेरा काम है, तो आपने अपने लिप्स पे भी यही अप्लाई करना है फाउंडेशन। लिप्स पे कोई भी फाउंडेशन आप लगाओ तो जरूर अप्लाई किया करो वो, क्योंकि आपकी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे कर जाती है और बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है। अपने नेक पे भी जरूर लगा लेना, क्योंकि क्या पता फिर आपका नेक काला और मुंह साफ लगे। और बैक साइड पे मस्ट है वो इसलिए कह रही हूँ बाबा जी, क्योंकि आपका फेस आगे से जो है बहुत व्हाइट होता है और पीछे से नेक जो है ब्लैक लगती है, अनइवन स्किन टोन कहलाती है। जब आप अपने बालों को कैचर करते हो, कुछ भी करते हो, तो स्किन टोन होती है। यहाँ मैं आईज का जो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर देखकर आईज के नीचे जो है फाउंडेशन ब्लेंड करो, इससे जो आपकी आईज है उस पर क्रीज नहीं आएंगे, ठीक है। और फॉरहेड पे सब पे टैपिंग करके जब सारा ब्लेंड हो जाएगा, ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, इसमें नेचुरल लुक और फिनिशिंग लुक बहुत अच्छा आता है। और इसका जो बेस मैं मिस रोज की बात करूँ, उसके अंदर ग्लोई सा इफेक्ट ऑलरेडी है। यहाँ मैं एपीके का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास एपीके का नहीं है ना, मार्केट में जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास घर में मौजूद है, वो लगा लो, जो आपके स्किन टोन के मुताबिक हो। फेयर हो तो फेयर ले लो अपना शेड, अगर डार्क शेड है तो डार्क शेड ले लो, ठीक है। अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपने सारे शेड लेने, लेकिन रिजनेबल आपको सब चीजें मिल जाएंगी, और ये सारे रिजनेबल प्रोडक्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। उसके ऊपर मस्ट है कि आपने कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर लगाना है। कॉम्पैक्ट पाउडर आपके नोज पे, आपके लिप्स पे मस्ट है। वो भी इसलिए कह रही हूँ बच्चा, क्योंकि आप लोगों के जो पसीना आता है तो ये उसे कंट्रोल करता है, इसे फिक्स करता है मेकअप को, ठीक है। और यहाँ मैं जो लिपस्टिक ले रही हूँ एज अ टिन, इसको यूज करने वाली हूँ। आपको जो शेड पसंद हो, आपके पास जो भी लिपस्टिक मौजूद है घर के अंदर, वो ले लो और इसे लिप टिन के लिए यूज करो, सॉरी लिप टिन नहीं, चिक टिन के लिए यूज करो, चिक टिन के लिए। तो देखो मैंने इसको लगाया और इसको मैं एज अ चिक टिन बनाने वाली हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मेरा पिंकी लगे। ये हैक है, ठीक है, इस हैक को इस्तेमाल करके देखो बहुत अच्छा लगेगा। पहले हल्के हल्के हाथों से इसको जो है टैपिंग करो, क्योंकि आप लोग बिगनर हो, तो इसको हल्के हल्के हाथों से टैपिंग करो। जब करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ब्लेंड होने में, फिर इसके बाद जो है आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको टैपिंग करते रहना है, तो इतना अच्छा ये ब्लेंड हो जाएगा कि आपके जो स्किन पे है एकदम पिंकी का सा लुक आएगा और नेचुरल लुक आपको ये देगा। आपको पीच पसंद है, पीच ले लो, जो दिल करे आपको स्किन टोन पे, जो चीक टोन पे अच्छा लगता है वो लगा लेना, आपके पास जो भी लिपस्टिक अवेलेबल हो। स्किन देखो कैसी लग रही, एकदम नेचुरल लग रही ना, पिंकी। ये सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर किया, या मेरे पास ये मैंने ड्रग शॉप से लिया हुआ था, जब से ये टूट गया है, मैंने इसको जोड़ा भी था लेकिन दोबारा टूट गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको आपको जोड़ के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आईज पे न्यूट कलर लगाओ, न्यूट यानी कि थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन, इस तरह का शेड लगाओ, ताकि आपकी आईज जो है बहुत नेचुरल लुक लगेगा। और पहले क्रीज एरिया के अंदर लगा लो अच्छे से, फिर ऊपर ना इसको हाईलाइट करो आईब्रो की तरफ। जब नीचे क्रीज एरिया पे ये ब्लेंड हो जाएगा तो ये बस नीचे तक रहेगा, जो बाकी का रह जाएगा उसको आईब्रो तक ले जाना, एक नेचुरल लुक क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एक आइज का फर्क देख लो, एक आइज का फर्क देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जिनके जो है फेस बहुत चिबी से होते हैं, यानी कि गोल मटोल होते हैं, वो जो है यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करें इसी चीज को, न्यूट कलर को, और उसके बाद इसको अपने हाथों से ब्लेंड कर दे। मैं यहाँ कोई ब्रश वगैरह कोई चीज ऐसे इस्तेमाल नहीं करी जो आपको मेकअप करने में परेशानी हो, यहाँ सारे हैक्स और टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपनी चीजों को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। यहाँ लिपस्टिक आप कोई भी ले लो, यहाँ पे मैं न्यूट लिपस्टिक ले रही हूँ, क्योंकि नेचुरल मेकअप कर रही हूँ, डे में निकलूंगी इस मेकअप के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ हैक दे मैं बता रही हूँ, पहले लिप ऊपर का बना लो और नीचे जो है इसको कंबाइन करो जैसे मैंने किया, और यहाँ आपके नीचे जो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, आपकी जो है लिपस्टिक आउट नहीं होगी, ठीक है।
देखिए जिस तरह से मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने एक मस्कारा ले लिया। मुझे ये मस्कारा है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये आया हुआ था ब्रश में, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया पहले इसको अच्छे से साफ किया, फिर इसको टिश्यू से साफ कर दिया ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा सारा जो इसका लिक्विड है वो सारा निकल जाए, और फिर इसको अप्लाई किया। मैं यहाँ पे कहूँगी मिस रोज़ का मस्कारा अप्लाई करो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये मैंने अप्लाई किया अपने आईज पर, और ये मैंने हैक भी साथ में बताना भूल गया कि अपने थंब रखते हुए इसको जो है अप्लाई करना है। ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ आप सब मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ गई है तो यार एक तो लाइक बनता है मेरी वीडियो पर, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत सारे हैक्स एंड टिप्स और मेकअप बताने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू योर स्किन। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़।